हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में आज आपको हम बताएंगे माँ वैष्णो देवी में मौजूद सभी डॉर्मेट्री और सभी होटल्स के बारे में जो कि साइन बोर्ड के अंडर आता है। जब आप माँ वैष्णो देवी दर्शन करने आए तो कहाँ कहाँ पे आपको डॉर्मेट्री और जो रूम है वो आराम से मिल सकता है, साथ में उसको कैसे आप बुक करें, उसका किराया कितना है, उसके अंदर क्वालिटी कैसी है, अंदर बेड कैसा है, सब कुछ आप आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉर्मेट्री के बारे में। तो आप देखिए, इस तरीके की डॉर्मेट्री आपको माता वैष्णो देवी जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा। और इसकी हर जगह की प्राइस मात्र 120 रुपये है। आपको 120 रुपये में कोई भी होटल्स में डॉर्मेट्री मिल जाएगी जो कि साइन बोर्ड के अंडर आता है, चाहे वो जम्मू की बात करें, चाहे वो कटरा की बात करें, चाहे वो साजी छत की बात करें, चाहे वो अर्थकुमारी की बात करें, चाहे वो भवन की बात करें, कहीं पे भी। और सभी के सभी जितने भी इस तरीके के डॉर्मेट्री हैं सब के सब नॉन एसी हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं होटल के बारे में। माता के भवन पे दो भवन आपको मिल जाएंगे, यानी दो होटल्स आपको मिल जाएंगे। एक है मनोकामना, दूसरा है वैष्णवी। और दोनों में जो डॉर्मेट्री का किराया है सेम है, और होटल का जो मतलब रूम का जो किराया है वह 900 रुपये है। चाहे वो हट वाला लें डबल बेड या विदाउट हट वाला आप डबल बेड लें, दोनों का किराया 900 रुपये है। लेकिन इसमें तय है कि कौन सा अवेलेबल है, कौन सा आपको मिल पाता है। तो चलिए अब अर्धकुमारी की बात करते हैं। अर्धकुमारी पे इस वक्त सिर्फ सेल पुत्री भवन ही है जो फंक्शनल है, और यहाँ पर सिर्फ आपको डॉर्मेट्री मिल सकती है, यहाँ पे आपको रूम इस वक्त नहीं मिल पाएगा। और इसका भी जो किराया है 120 रुपये है। तो चलिए आपको अंदर हम लेकर चलते हैं और सेल पुत्री भवन के अंदर दिखाते हैं कि कमरा कैसा है और व्यवस्था कैसी है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम अर्धकुमारी पे हैं, और यह सेल पुत्री भवन। और सेल पुत्री भवन में हमने अपना सामान रख दिया है। यह है सेल पुत्री भवन, 304 कमरा हमको मिला है। और इसमें अंदर चलते हैं तो आप देख सकते हैं सेल पुत्री भवन में इस तरह की डॉर्मेट्री है, इस तरीके के कमरे हैं। और डॉर्मेट्री में इस तरीके के आपको बेड मिल जाते हैं ऊपर नीचे। फ़िलहाल हमें 5, 6, 7, 8, 9 ये मिला हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये है रूम, और साफ़ सुथरा है, आप आराम से रुक सकते हैं, सब कुछ सही है, यहाँ पे व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमने बता दिया कि अगर आप भवन पर हैं तो भवन पे आपको कौन कौन से रूम मिलेंगे, क्या उसके प्राइस हैं। अर्धकुमारी का भी हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं सबसे नीचे यानी कटरा की। कटरा में जब आप आते हैं तो कटरा में आपको कई जगह डॉर्मेट्री मिल जाती है, इसके साथ साथ कई जगह पे आपको रूम्स भी मिल जाता है, क्योंकि साइन बोर्ड के कई सारे होटल्स जो हैं वह कटरा में मौजूद हैं। मगर उसका किराया भी अलग अलग है। अगर आप एसी का रूम लेते हैं और डिलक्स लेते हैं तो 1800 लगता है, अगर नॉन डिलक्स लेते हैं एसी लेते हैं तो उसका 1400 रुपये लगता है। इसके साथ साथ डॉर्मेट्री का वही रेट है, और भी कई सारे कमरे हैं करेक्ट, उसकी अलग अलग कैटेगरी हैं, वो तमाम अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको कमरे मिल सकते हैं। मगर अगर साफ़ सफ़ाई की बात करें तो साफ़ सफ़ाई बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है, साफ़ सफ़ाई में कोई भी कमी नहीं है। अगर आप यहीं की बात करें, अगर हम अर्धकुमारी की बात करें और सैलपुत्री भवन की बात करें, तो सैलपुत्री भवन में ही आप देखिए किस तरीके से साफ़ सफ़ाई है, साफ़ सफ़ाई में कोई कमी नहीं है। बेड शीट रोज साफ चेंज की जाती है, और यहाँ का चेकआउट टाइम और चेक इन टाइम 10 से 10 है, यानी सुबह आप 10 बजे चेक इन करेंगे और सुबह अगले दिन सुबह 10 बजे ही आप चेकआउट करेंगे, तो काफ़ी अच्छा है आप। लेकिन हाँ, जब भी आप डॉर्मेट्री लें तो डॉर्मेट्री में अपना ताला ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे ताला नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसकी ताला और चाबी आप ही के पास रहेगी, और अपना सामान आप लॉक करके आराम से जा सकते हैं। सुरक्षा बहुत अच्छी है, सेफ्टी अच्छी है, साफ़ सुथरा हर चीज़ अच्छा है, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर हर चीज़ की अच्छी है, चाहे वो भवन की बात कर लें, चाहे अर्धकुमारी की बात कर लें, चाहे कटरा की बात कर लें। अगर आप परिवार के साथ आना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आएँ। और मेरा सबसे ज़्यादा आपको यही सुझाव रहेगा कि आप ये मत सोचिए कि डॉर्मेट्री हमें मिल रही, रूम नहीं मिल पा रहा है। मैंने दोनों चीज़ देखा, रूम भी में रह के भी देखा और डॉर्मेट्री में भी रह के देखा, तो डॉर्मेट्री बहुत ही अच्छी है, बहुत ही साफ़ सफाई है, और काफ़ी आराम है, और सबसे कम बजट में आप बहुत ही आराम से माता वैष्णो के दर्शन कर सकते हैं। चाहे वो भवन की बात करें, चाहे अर्धकुमारी की बात करें, चाहे वो कटरा की बात करें या जम्मू की बात करें, हर जगह आपको डॉर्मेट्री का जो रेट है वो 120 रुपये ही पे करना है। होटल के किराए आगे पीछे हैं, कुछ ऊपर नीचे हैं, उसको आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मगर जब भी आएँ तो ऑनलाइन बुकिंग करा के ज़रूर आएँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें।